दोस्तों हमें एक भैया मिल गए जो कि यहाँ पे छोले कुलचे बेच रहे हैं, और ये देखिए इनके सर पे कम से कम 50 से 60 किलो का वजन है जो ये सर पे रख के घूम रहे हैं। मुझे इससे कम तो नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारे छोले होंगे। और तो भैया आराम से उतारना थोड़ा संभाल के भैया, ये देख। अरे भाई आराम से आराम से आराम से। ओ भाई समझ सकते हो भाई, इतना भारी वजन लेके घूमना कोई आम बात नहीं होती है। इतना भारी वजन लेके भैया यहाँ पे छोले कुलचे बेच रहे हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? संजय चौहान। तो भैया ये टोटल कितना वजन है जो आप सर पे लेके यहाँ पे बेच रहे हो इस तरह से घूम के? 40 किलो। तो भैया ये टोटल 40 किलो का वजन सर पे लेके घूम रहे हो? यार एक नॉर्मल सिलेंडर उठाना भी मुश्किल हो जाता है, डेली आप इसी तरह से बेचते हो घूम के? क्या करें, मजदूरी करना। तो भैया ये बताओ आप कोई ठेली या साइकिल क्यों नहीं ले लेते आप ये बेचने के लिए? पैसे भी नहीं है सर, क्या करें। तो भैया कितने रुपए की आती है जो ठेली आती है? भाई 8-9 हज़ार की ठेली आती है, और भैया पे इतने भी पैसे नहीं है यार ठेली ले सके, सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई इनके छोले, भैया कौन से छोले हैं थोड़ा बताओ इसके बारे में। सफेद मटर। दिखाओ जरा, दिखा दो भाई साहब। तो भैया ये गर्मा गर्म छोले, छोले देखो इनके काफी बेहतरीन है और गर्मा गर्म हो रहे हैं। भैया गर्म कैसे रहते हैं थोड़ा ये बताओ इसके बारे में। अच्छा इसके नीचे कोयला रखा हुआ है इस वजह से ये गर्म हो रहा है। तो भैया हमारी एक प्लेट लगाओ जरा आपके छोले कुलचे, देख लो आप कितना कुछ कर रहे हैं यार। ये देखिए इनके छोले आ गए गर्मा गर्म। हाँ भाई वाह। तो भैया ये इतनी मतलब इतना भारी वजन कैसे उठा लेते हो, कब से कर रहे हो आप ये? हो गया 3 साल। 3 साल हो गया? तो 3 साल से भैया यहाँ पे इस तरह से घूम घूम के ही बेचते हो आप? भैया सलाम है यार, इस तरह से इतनी मेहनत यार हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये क्या डाल रहे हो भैया? अच्छा ये हरी चटनी है। तो ये देखिए काफी चटपटी बना दी भैया ने इसे। तो ये लीजिए भाई, आ गया जी नींबू, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। आप देखिए इस तरह से यार नॉर्मल छोले कुलचे तो हर जगह मिल जाते हैं, आप इस तरह से कभी खा के देखो। ये आ गया प्याज इनका, बहुत बढ़िया। ये आ गया धनिया, और ये देखिए जी टमाटर भी। भैया मैं तो भूल ही गया था टमाटर भी डालते हो। ये देखिए टमाटर भी भैया ने डाल दिया है। आ गया जी हरी मिर्च, ठीक है तैयार हो गए। तो इनके छोले देखो आप कितने बेहतरीन लग रहे हैं। भाई आप नॉर्मल भी छोले खाते हो ना, इतने तो इतनी सारी चीजें तो कोई डालता ही नहीं है। छोले रेडी हैं? तो भैया कितने छोले कुलचे आप देते हो, मतलब कितने रुपए रेट है छोले कुलचों का आपके पास? 25 रुपए। 25 रुपए में क्या क्या आता है? 3 कुलचे। और 30 रुपए में? 4 कुलचे। अच्छा तो ये सेक रहे हैं भैया कोयले के ऊपर। तो भैया इसके नीचे कोयला है क्या? काफी गर्म हो रहा है भाई। तो ये हैगा जी भैया का मक्खन, कौन सा मक्खन लगा रहे हैं भैया? न्यूट्रलाइट भाई, न्यूट्रलाइट का बटर यूज कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने कुलचों में काफी अच्छे से लगा दिया है, और काफी छोटा सेटअप है लेकिन देखिए कोयला भी लेके यहाँ पे चल रहे हैं जी। तो ये नीचे कोयला इन्होंने रखा हुआ है जिसके ऊपर ये धीमी धीमी आंच पे सिक रहा है, कितना कुछ इन्होंने रखा हुआ है। ये धनिया डाल दिया भैया ने इसमें गर्मा गर्म। तो भैया ये प्लेट कितने रुपए की है? 25 रुपए में 3 कुलचे और छोले। और भाई इतने गर्म हो रहे हैं ना, आपको नॉर्मल रेडी वाला भी इतना गर्म नहीं देगा आपको। बता रहे हो कि ये टोटल अगर ये भरा हुआ होता है छोले से तो इसका वजन 50 किलो के आसपास हो जाता है। तो भैया जब स्टार्टिंग में कर रहे थे आप इतना वजन उठा रहे थे, प्रॉब्लम होती है इसमें तो? काफी प्रॉब्लम होती होगी, खाने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है ना, डर भी रहता होगा कि गिर ना जाए कहीं। स्टार्टिंग में तो हुआ भी होगा, हो सकता है हुआ भी है जी। तो भाई तो नुकसान भी हो जाता होगा ऐसे में तो यार, गिरने के बाद तो सारा ही नुकसान है। यार भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, मानना पड़ेगा भैया को। आप देखिए इनका जो पूरा का पूरा सेटअप है आप देख सकते हो, साथ में टोकरी भी रखी हुई है जिसमें अगर आप खाते हो तो यहाँ पे आप डस्टबिन में डाल सकते हो। मेहनत से बनाए हुए कुलचे की प्लेट हमारे हाथ में आ चुकी है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। और 25 रुपए की प्लेट है, 3 कुलचे दिए हैं भैया ने गरम करके, वो भी मक्खन लगा के, और साथ में इन्होंने छोले दिए हैं, काफी बढ़िया से बनाया हुआ है। इसको टेस्ट करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा है। और दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहे थे भैया यार, इतनी तरह से इतना भारी वजन सर पे लेके घूमना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप भी इस बात को मानते हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिसे काफी लोगों को पता चल सके। तो टेस्ट करते हैं, इनके मटर भी साबुत साबुत है ना कि छोले ज्यादातर मिक्स करते हैं। टेस्ट काफी औसम है, चटपटे छोले हो रहे हैं, इनके मसाले इन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से डाले। दोस्तों आपने छोले कुलचे तो बहुत सारी जगह खाए होंगे, एक बार संजय भाई के छोले कुलचे खा के देखिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। अगर आप कभी भी चांदनी चौक आते हो
तो संजय भाई के छोले कुलचे जरूर खाएं और इसका टेस्ट लाजवाब है। तो दोस्तों इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और ये छोले कुलचे खाने के लिए भैया को देख लो, आपको मिल जाएंगे चांदनी चौक मार्केट में। कभी भी आते हो भाई, किसी से खाओ चाहे मत खाओ, संजय भाई के छोले कुलचे जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया छोले कुलचे लगे मुझे। आई होप आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ।